बफर स्टॉक किसे कहते हैं सरकार जो अनाज को सरप्लस उत्पादन के समय जमा कर लेती है गोदामों में उसे बफर स्टॉक कहा जाता है बफर स्टॉक रखने की जिम्मेदारी फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को है एफ को है बड़े बड़े गोदाम होते हैं इसी में रखा जाता है छोटा मोटा नहीं बड़ा सा गोदाम होता है इसे ही कहा जाता है बफर स्टॉक इसलिए भारत सरकार क्या की है फ्यूचर प्लानिंग में बैलेंस न गड़बड़ाए महंगाई का और सप्लाई का इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया अभी आप देखे होंगे चीनी पर बैन लगा दिया गया गेहूँ पर बैन लगा दिया गया चावल पर बैन लगा दिया क्योंकि टूटे हुए चावल से भी मेथनॉल बन जाता है